हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। तो आज हम लोग देख रहे हैं शारीरिक शिक्षा, और ये सन 1999 या समथिंग के आसपास का है ये क्वेश्चन आंसर। और ये 425 अंक का होता था। ये जो है आपका पहला होता था पूर्णांक, 425 अंक के होते थे। और चलिए तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ जो चेंजेस हुए हैं उसको मैं बता दूंगा आप लोग को। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल कितने छल्ले होते थे? ये आपका होता था 5। और एक चीज़ और है इसमें जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जो जानते नहीं होंगे, झंडे का रंग कितने होते हैं? टोटल रंग इसमें 6 होता है, तो अगर 5 कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो इसको ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसका ये आपका देख लीजिए, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि आपका 5 छल्ले जो है किसको प्रदर्शित करते हैं? तो ये आप महाद्वीप है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक शहर विश्व के किस देश में स्थित है? तो ये आपका पहली आंसर से यहाँ देख रहे होंगे उत्तर एक, और इसका भी डेफिनेशन नीचे दिया है, उसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलिए इसी में ये है आपका डेफिनेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे कम आयु में जो है शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर से सभी परिचित हैं? तो ये आपका पहला आंसर सचिन तेंदुलकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये डेफिनेशन देख सकते आप लोग कि ये क्या है ना। स्टेट में शतक बनाने वाले भारतीय 1990 में जो है 17 वर्ष और 12 दिन की आयु में बनाए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो ये आपका हरा रंग का होता है, सभी परिचित होंगे साइंस वाले खासकर। आगे बढ़ते हैं, इसका देख लीजिए डेफिनेशन देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं। क्लोरोफिल जो है पूर्ण हरित सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करने से उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। लाल रक्त कणों का जीवन काल इससे भी सभी परिचित होंगे। तो ये होता है आंसर है 120 दिन, है ना। चलिए नीचे देख ही लेते हैं इसका। ओके, तो ये है आपका आंसर, ठीक है, 120 दिन होता है। और इसको पूरा जो नए स्टूडेंट्स हैं उस पढ़ ले इसको पूरा, या सभी पढ़ लेंगे, थ्योरी तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसके बारे में, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, उसको पॉज करके या डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल होता है, इसको पढ़ भी ले सकते हैं। ये होता है 2 से 5 दिन या 3 से 5 दिन भी होता है, लेकिन इसमें जो कम से कम होगा वही ज़्यादा आपका आंसर सटीक होगा। ये 2 से 5 दिन इसका आंसर होगा, ठीक है। 3 से 5 भी दिया है और होता भी है बाकी, लेकिन यहाँ पर सबसे ये है 2 से 5 दिन, ठीक है। अब ये 2000 आपका सन 2000 के आसपास का है, 1999 आई थी, तो ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए, इसके बारे में पूर्ण रूप से आपका थ्योरी भी दिया गया है, ठीक है। इसको पॉज करके स्क्रीन के पढ़ सकते हैं या पॉज करके ही पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे कंप्लीट करना है कम से कम, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 100 से भी ऊपर। टाइलिन पाया जाता है, तो टाइलिन किस में पाया जाता है? आपका लार में पाया जाता है। ये देख लीजिए जो है, टाइलिन एवं माल्टेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, किस में? लार में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है, पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर 72 होना चाहिए, सामान्यतः 72 होता है, 75 जो दे दिया है आपका ये गलत हुआ, ठीक है। यहाँ पर 72, क्योंकि सामान्यतः जो एवरेज है 72 हो गया है, ठीक है। पहले ये 1999 का क्वेश्चन आंसर सीरीज है, तो थोड़ा से देख लीजिएगा इसको, मैं बताते जा रहा हूँ। श्वेत रक्त जो है कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका है, ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे जो है मोनोसाइट्स, ठीक है। चलिए उत्तर दिया हुआ है आपका और पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। रंग वर्णांधता जो है कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में
भेद नहीं कर पाता, तो ये लाल और हरे रंग में नहीं कर पाता। पढ़ लीजिए पूरा इसको। गुणसूत्र वाहक होता है और क्या क्या है। आगे है, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था, तो ये पिनकस ने किया था, देखिए, और 1955 ईस्वी में किया था इसे। और इन गोलियों का चक्र जो है 21 दिनों तक चलता है। अभी तक एशियाई खेल में किस शहर में जो है आयोजित नहीं किए गए हैं, तो कराची ये पाकिस्तान का आपका वो है, ठीक है, अभी तक कराची पाकिस्तान में नहीं हुए, भारत में भी नहीं हुए हैं, है ना। सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951, एक्सक्यूज मी, एशियाई है, मैं ओलंपिक समझ गया, एशियाई खेल जो है 1951 सबसे पहले भारत में हुआ था आयोजित, ठीक है, और जो है पाकिस्तान में ये नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, गोला फेंक में सेक्टर का कोण होता है, तो ये जो है पहले जो आंसर था इसका 40 होता था, अब ये एक फिक्स्ड कर दिया गया है 34.92 डिग्री, ठीक है, तो ये आपका सेक्टर है, या ये सेक्टर जो है आपके तीनों, जैसे कि आपका तवा फेंक, गोला फेंक और हैमर थ्रो, है ना, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट एंड हैमर थ्रो, ये तीनों में भी यही वाला आपका जो है क्या रहेगा, सेक्टर रहेगा, यही कोण होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनाने जो है बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो ये कौन था, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है, नागेंद्र सिंह, अपने दोस्त यार कोई होगा तो उससे याद रख लीजिए, ठीक है, और ये मैं वैसे ही याद रखा हूँ। और ये जो है आपका क्वेश्चन देख लीजिए पूरा इसके बारे में, नागेंद्र सिंह है, आर एस पाठक न्यायाधीश, ये सब है, नीदरलैंड, 3 अप्रैल 1946 को की गई। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला, तो ये आशा पूर्णा देवी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आजकल, ये से क्वेश्चन तो नहीं आते, और इसके बारे में देख लीजिए पूरा थ्योरी है। भारत रत्न पुरस्कार किस साल आरंभ किए गए थे, भारत रत्न, ये जानने हमारे लिए एक जानना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये 1954 में हुआ था, ये यहाँ आंसर है, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, ये उत्तर देख लीजिए 1954 में यहाँ दिया हुआ है पूरा इसके बारे में डेफिनेशन। माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस ये किसका है, तो ये विश्वनाथन आनंद का है, तो इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, पोलो मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है, तो इसका जो होता है आपका 270 से 180 मीटर, ठीक है, 250 गज में देखेंगे तो होता है, और ये आपका जो है 8 गज होता है, क्या होता है उसका चौड़ाई, पोल, गोल पोस्ट की। आगे बढ़ते हैं, ये है खो खो खेल में मैदान की लंबाई चौड़ाई, आप ये पहले कितना होता था, ये पहले 1999 2000 में आपका 34 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई होती थी, ठीक है, तथा 10 मीटर, और खो खो खेल के जो है 9 खिलाड़ी होते हैं वो तो आज भी है, बाकी जो लंबाई चौड़ाई है मैं अभी आपको करेक्ट करा देता हूँ, ये जो है आपका 27 × 16 हो गया है ना, तो हो गया है 16, तो ये याद रख लेंगे, ये सीनियर का है, और 20 और देखेंगे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते जाऊंगा। नेक्स्ट जो है, रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन जो है संबंधित है, तो विटामिन के है, इससे सभी परिचित हैं। चलिए, प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस देश को हराकर फुटबॉल चैंपियनशिप जीता, तो ये जीता था आपका ईरान, और ये इसका डेफिनेशन देख लीजिए, 4 मार्च 1951 हुआ जो प्रथम हमारे से भारत में। कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है महावीर चक्र, ठीक है,
इसके बारे में भी देख लीजिए। हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन क्या है? आपका प्रोटीन होता है एक, और ये क्वेश्चन आता है, इसको देख लीजिएगा, अभी भी पूछा जाता है। आगे देखेंगे उत्सर्जन तंत्र से तात्पर्य है, तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में मैं अच्छा पूरा फुल वीडियो डाला हूँ, ठीक है, अब भी जस्ट डाला है, तो इसको देख लीजिएगा। इसका है आपका दूषित पदार्थों को बाहर निकालना। इसमें सबसे ज़्यादा दूषित क्या रहता है? यूरिया है ना, वो पूरा वीडियो डाला है इसके बारे में। आप इसके बारे में पूरा 100 क्वेश्चन, 100 तो नहीं होगा, कम से कम फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 40 से ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी जो है आपको घाव भरने में सहायक होता है। और 29वां ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये बहुत पुराना है, और ये 29वां जो है आपका 2008 में होना था, 29वां हुआ है बीजिंग, और ये हमारे लिए, देश के लिए इम्पोर्टेंट है, जो एकल में एक गोल्ड मेडल आया था इसका, जानते ही होंगे, अभिनव बिंद्रा शूटिंग में। और नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक खेल का उद्घाटन कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल का उद्घाटन कर रहे हैं? तो ये पहले का है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है, कि IOC अध्यक्ष ओलंपिक खेलों का उद्घाटन तथा समापन की घोषणा करता है। अरे क्वेश्चन अलग है, सॉरी, ये है आपका उद्घाटन कर रहे हैं, बोल करते हैं ये है, तो आपका इसका उत्तर है चेयरमैन जो है IOC के अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, जूडो में अधिकतम पॉइंट होता है, तो ये होता है आपका इपॉन जो होता है, ये आपका अधिकतम पॉइंट होता है। यहाँ पर उत्तर दिया हुए है अंक का पूरा, और देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री कब किस खेल से संबंधित है? तो पहले पूछा जाता था इस टाइप से क्वेश्चन, आपका ये है आंसर फोर हॉकी। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, ये होता है आपके किससे होता है? माता पिता से, आई थिंक पिता के गुणसूत्रों से अधिक होता है, तो ये आंसर देख लेते हैं नीचे। हाँ, ये दिया हुआ है आपका पूरा, है ना, इसके बारे में डेफिनेशन, 23 जोड़े इसके होते हैं, इसके बारे में पूरा वीडियो डाला है ना, इसका पूरा एक फुल वीडियो डाला हूँ कि इसके बारे में पूरा। विटामिन डी किस में पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है आपका, यहाँ पर दिया है चार, इन सभी में, मक्खन, यकृत, अंडा, सभी में पाया जाता है। हीमोफीलिया, फीलिया जो है आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है इसके वजह से, ठीक है। और 8वें दक्षेस, जो दक्षेस खेल थे साउथ एशियन गेम, तो ये हुआ आपका भारत में होता है, सर्वाधिक पद जीते ये थे इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया यह भी कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये आपका कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहलाता है, ठीक है, इससे सभी परिचित हैं, इसको बहुत बार पढ़े हैं। नोनीता लाल संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है, और इसके बाद लीजिए 400 वर्ष पूर्व, 400 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में गोल्फ खेले जाने का शुभारंभ हुआ था, इसके बारे में दिया है, गोल्फ के बारे में। लाल जो है चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मूलक राज, ये पुराने क्वेश्चन है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उतना, ये हो सकता है साइंस से रिलेटेड, कभी भी पूछ देते हैं। रक्त के जो है प्लाज्मा में जल होते हैं, तो कितने प्रतिशत होते हैं? आपके प्लाज्मा का रक्त लगभग 60% होता है, और प्लाज्मा में 90% क्या होते हैं? जल होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओह एक्सक्यूज मी, तो सबसे, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है आपका, इसमें उत्तर दिया पिट्यूटरी ग्रंथि, तो ये गलत है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है।
हाँ बट लेकिन इसका जो कार्य है वो सबसे बड़ा होता है। तो लेकिन इसमें पूछा गया शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है आपका? यकृत जो होता है आपका, ये होगा ना, इसमें जो है गलत दिया है। ये सबसे छोटी होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये आपके मस्तिष्क है, और इसके बारे में पूरा वीडियो डाला है, फुल वीडियो है ना। और चलिए देखते हैं, और ये जो है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सबसे छोटी होती है ये साइज में, क्योंकि मस्तिष्क में पाया जाता है ये, और लेकिन कार्य इसका सबसे बड़ा होता है। ये है यहाँ पर दिया है, यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि के क्रियाशील का क्षेत्र सबसे अधिक व्यापक है। व्यापक तो है बट ये बड़ी नहीं होती, सबसे छोटी होती है, और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यही नहीं, यह शरीर के सभी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखता है। तो ये भी सही है, इसलिए इस ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथियों के दल का संचालक कहते हैं, और इसका संबंध मनुष्य के स्वभाव तथा व्यक्तित्व से अधिक है। ये इसका डेफिनेशन सही है, बाकी इसका जो बड़ी ग्रंथि है वो गलत है इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां हैं, तो ये होता है रेखित। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये थायरोक्सिन, थायरोक्सिन को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन डी के नाम से भी जानते हैं ना, आयोडीन, आयोडीन यहाँ देख लीजिए, सॉरी। अतः आयोडीन की कमी से, आयोडी डी से ऐसे आयोडीन डी लग गया मेरे को, वृद्धि होती है, और जिसके फलस्वरूप गला फूल जाता है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, तो ये खेल है आपका बेसबॉल, से भी परिचित होंगे। महात्मा गांधी स्टेडियम स्थित है, तो कहाँ है आपका? कर्नाटक में है। एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई क्या होती है? तो लंबाई 50 मीटर होता है, ठीक है। इसके बारे में और दिया है, देख लीजिए, 50 × 25 होता है, ठीक है। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? इसमें है उपरोक्त सभी, उचित पोषण, नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन, ये देख लीजिए। प्रेरणा की विधियां हैं, प्रेरणा की विधियां हैं आपका, सभी रुचि, सफलता, सामूहिक कार्य। सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि यह वह क्या स्मरण रखने और क्या भुला देने, यह कथन किसका है? तो ये है आपको क्रो एवं क्रो ट्रॉफी संबंधित है, तो किससे है आपको? क्रिकेट से है। डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है, तो क्या होता है इसमें? छोटे बच्चों में होता है। स्वेथलिंग कप संबंधित है, तो ये आपका टेबल टेनिस से है। और टाइगर वुड्स किस खेल के पेशेवर खिलाड़ी हैं? टाइगर वुड्स से पुराने क्वेश्चन हैं, दो गोल्फ के, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी देख लीजिए, आपको इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 3%। आइए देख लीजिए इसको, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती है? तो ये किस में छनती है? वृक्क में। और इसके बारे में और बता रहा हूँ मैं, जो है आपका फेफड़ा जो होता है, ये फेफड़ा आंसर भी हो सकता है। यहाँ पर दिया है, प्रत्येक वृक्क किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, और दोनों वृक्क जो है लगभग 1.3 मिली जो है लीटर रक्त को प्रति मिनट फिल्टर करते हैं। फिल्टर काम करता है तथा 50 लीटर रक्त प्रतिदिन वृक्कों में होकर बहता है, ठीक है। तो ये यहाँ भी होता है, और फेफड़ा में आपको क्या होता है? आपको ये जो है कार्बोक्सी जो ब्लड होता है हमारा, उसको जो है ऑक्सीजन युक्त बनाता है, वहाँ पर उसको शुद्ध किया जाता है यहाँ भी। तो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बाकी इसमें दोनों आंसर सही होना चाहिए, यहाँ भी होता है और फेफड़ा में भी होता है। तो चलिए, क्वेश्चन के अनुसार तो वृक्क ही होना चाहिए, क्योंकि छनने का काम जो है यही होता है, और
शुद्धिकरण जो होती है वो यहाँ फेफड़ों में भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हार्ट, हार्ट से आपका किस में जाता है, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से आपके जो अशुद्ध रक्त होते हैं वो आपके फेफड़ों में जाकर के उसमें ऑक्सीजन युक्त बनता है, शुद्ध होता है, फिर वो क्या होता है पल्मोनरी वेंस के माध्यम से जो शुद्ध रक्त होते हैं वो आपके हृदय के जो है लेफ्ट साइड का जो है क्या होता है वेंट्रिकल, उसमें जाकर अरोटा से क्या होता है पूरा बाहर निकलता है शुद्ध रक्त, तो यहाँ पर ये क्रिया होती है, ठीक है। लेकिन छन्ने की क्रिया एक और है होता है यहाँ पर वृक्क में, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर तो चलिए इसी को कहते हैं, लेकिन इसमें भी होता है, ये जान गए आप लोग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आप बढ़ते हैं। आप ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो ये आपको 1948, ठीक है, पहली बार लिया था, और ये और दो से पराजित हो गई थी टीम, ठीक है। ओलंपिक में भारत को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ, तो ये हुआ था आपको 1928 में, सभी परिचित हैं। और दक्षेस खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ, तो ये हुआ था आपको 1984 में हुआ था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्रथम एशियाड खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो 1951 में हुआ था। होता है तो प्रेरणा से होता है। दीपांकर भट्टाचार्य किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से थे अभी। ये निम्नलिखित में से किस देश का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है, तो ये कुश्ती का मिलता है, आप लोग देखे होंगे खेलते हुए भी महाभारत वगैरह में। मुक्केबाजी बॉक्सिंग में जो है प्रयोग की जाने वाली दस्ताने का भार होता है, तो ये आपका होता है 8 से 10 औंस, और 8 औंस से 10 औंस ही होते हैं। ये देख लीजिए, 227 ग्राम से 284 ग्राम तक, महिलाओं का 227 कहना चाहिए और पुरुषों का 10, 284 ग्राम। सर्वप्रथम ये अभी चेंज हो गया होगा, इसको मैं चेक नहीं कर पाया हूँ, इसको देख लीजिए एक बार, है ना, क्योंकि चेंज होते रहता है, ये बहुत पुराना है आपका सीरीज, मैं सभी सीरीज को डालूंगा वन बाय वन। तो नेक्स्ट है, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल रद्द किए गए, तो सर्वप्रथम 1916 में किया गया था, यहाँ पर 14 लिख दिया है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ 1916 में क्या हुआ था सर्वप्रथम ओलंपिक खेल रद्द, क्योंकि 1916 क्या हुआ था आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जूडो को ओलंपिक में शामिल किया गया, तो जूडो को शामिल किया गया था आपका 1964 में, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो ये 4.1 होता है, ठीक है, और वसा 9.1 करता है, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ सिर्फ 4 कैलोरी दिया है, बाकी ये 4.1 होता है। नेक्स्ट है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है, तो ये है कैल्शियम फास्फोरस। गैम्बिट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये है शतरंज से। भारत को एशियाई खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, तो ये 1900 आए हाँ, भारत को एशियाई खेल ना, ठीक है, एशियाई खेलों में आपका हुआ था 1966 में, एशियाई और ओलंपिक में कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होती हैं, तो कितनी होती है आपको 72 बार, ये देखिए यहाँ पर सही दिया है, पहले 75 दे दिया था। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपका एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इससे सभी परिचित हैं। एड्स का जन्म स्थान माना जाता है
इसे माना जाता है अफ्रीका, और ये 80% लोग वहाँ से, देख लीजिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो इसका जो है वृक्क ग्रंथि नहीं होता, यकृत तो होता है और ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है, 1.5 kg होता है इसका, 1.5 kg, और वहाँ पर पिट्यूटरी को दे दिया था। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है आपका जॉन टेंडेल। चलिए नीचे देखते हैं, यहाँ दो है, ग्रेगर जॉन मेंडेल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, टेंडेल लिखा है यहाँ, मेंडेल लिखा है। निम्नलिखित में से किसमें आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, किसे थैली कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो तीसरा लाइसोसोम, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप कोशिका वो हो गया, ऊर्जा घर हो गया, और ये हो गया आपका आत्महत्या की झिल्ली कहते हैं लाइसोसोम, और लाइसोसोम को और क्या कहते हैं? तो ये है प्लाज्मा भी कहते हैं ना, प्लाज्मा ही है ये, में दिया हुआ नहीं है, प्लाज्मा है तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी, है ना। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो रेनिन तो दिया नहीं है, इसमें जीवाणुओं के द्वारा होता है, और उसको फाड़ने का काम क्या करता है दूध को खट, तो वो रेनिन करता है, उसके वीडियो डले हैं पहले से। साधारण वायु में ऑक्सीजन की जो प्रतिशत होती है, तो ये होती है 21%, ठीक है, ऑक्सीजन बोला है ना, अगर हाइड्रोजन बोलेंगे सबसे ज़्यादा कितना होता है, तो उसमें होता है 78 to 79% होते हैं, यहाँ पर दिया है। साधारण वायु 21%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये 0.04 हो गए, 3 नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा 78% नाइट्रोजन है, ये 78-79 भी रहता है, लेकिन अधिकतर मैं 78 ही देखा हूँ, और कई बुक में 79 दिया है। चलिए आगे देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो ये हुए थे आपका 1991-92 में, और इसके बारे में देख लीजिए सबसे पहले किसको दिया गया था, तो वो भी है इसमें, नहीं दिया है शायद तक, आपका शतरंज खिलाड़ी है ना, विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। क्रिकेट का प्रचार प्रसार किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका ब्रिटिश काल में हुआ था, इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई, तो 1982 में दी गई थी, और ये महत्वपूर्ण भी है। ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? तो किया गया था आपका 2002 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान जो है इंदिरा गांधी को दिया गया था, और हॉकी खेल में हरा कार्ड द्वारा किस प्रकार का संकेत दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चेतावनी का, हरा कार्ड से। और फॉर्मूला रेसिंग में पीली झंडी किस प्रकार के संकेत करती है? तो ये करती है आपका धीमे होने का संकेत करती है। टेबल टेनिस के गेंद का वजन कितना होता है? तो 2 point, यहाँ पर 5 दिया है, लेकिन 7 होता है, 2.7 है ना, 2.7। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन हुआ था, तो ये हुआ था 1948 में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए, तो आधुनिक सभी को पता है आपको 96 में हुआ था, और DCM कप संबंधित है, तो ये आपको फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में डेफिनेशन देख लीजिए, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से कौन प्रभावित होगा? आपका यकृत होता है, ठीक है, जॉन्डिस भी इसको कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत है ना, यकृत मानव की सबसे बड़ी है,
इसको मैं कई बार ऊपर में बताते आ रहा हूँ। नेक्स्ट है बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपको विटामिन B1, है ना, क्योंकि विटामिन बहुत सारे हैं, विटामिन B1 होगा। और इसके फॉर्मूला एक ठो मैं बता देता हूँ, क्या था यार, भूल गया मैं भी, थारा न्यू पेंट ऐसा कुछ है ना। चलिए देखते हैं, ऐसा ही है, थारा न्यू पेंट परसो ऐसे है ना। तो था से क्या होता है, थायमिन उसका वो है नाम, है ना, क्या वैज्ञानिक नाम है, था से थायमिन, थारा रा से राइबो ओ फ्लेविन, थारा न्यू, न्यू से ए जो है, न्यू से क्या होता है, न्यूरी न्यूरो फिकिनोन ऐसे कुछ है, न्यू पेंट से पेंटा थ्रोन ऐसे होगा, आपको याद आ गया होगा जिसको पता होगा। चलिए मैं पूरा बता ही देता हूँ, पेंट से हो गया पेंटा थारा न्यू पेंट, पर से क्या होता है, पैरा फ्लेविन ऐसे कुछ है, पर बस बस से बायोटीन, क्या क्या है, चलिए उसका अलग से वीडियो बना डालूंगा सूत्र वाला। BCG का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आपका, दूसरा है क्षय रोग के लिए, ठीक है, इसके बारे में ये देख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आप नेक्स्ट पूरा कंप्लीट करता हूँ मैं जल्दी फटाफट। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह रोग होता है आपका इंसुलिन की कमी से। और ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त है? इसको तो सभी जानते ही हैं, चलिए बताने की ज़रूरत नहीं होगा, चलिए आंसर नहीं दिया है इसमें मैं बता देता हूँ। तो ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जाता है? तो वो ग्रुप ओ और ए वाले से दिया जा सकता है, ठीक है, केवल क्योंकि ओ क्या होता है, सर्वदाता होता है, ये सभी को दे सकते हैं, और एक स्वयं है तो ए वाले से ही ले सकता है वो, बाकी अन्य से नहीं ले सकता, ग्रुप वाले रक्त जा सकता है ना। आंसर नहीं दिया है, और एक बता देता हूँ इसके बारे में आपको, जो ए और बी ग्रुप है ना, ये ऐसा ग्रुप है जो ए और बी क्या होता है, सभी से ग्रुप से ले सकते हैं, लेकिन ये केवल सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता, ऐसा है, ठीक है, ये सर्वग्राही कहते हैं, इसको सर्वदाता कहते हैं, पूछा जाता है सर्वग्राही या सर्वदाता कौन से ग्रुप कहते हैं करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइलेज क्या कार्य करता है? तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या होगा? इसका तीसरा आंसर है आपका फिलीपींस, भारत में ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पहली बार पदक जीता था? तो ये जीता था आपका, कौन जीता था, ये क्या है, डाउटफुल क्वेश्चन है, इसीलिए इसके यहाँ स्ट्रिक दिया है, बाकी मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये 1952 केशव डी जाधव ने फ्री स्टाइल कुश्ती में भी तो प्राप्त किया था, ये तो ठीक है, और यहाँ ऑप्शन है तो इसका 2 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, 1900 में सन्नी है एक एंग्लो इंडियन, हमारे भारत भारत से क्या जीते थे सबसे पहली बार 200 मीटर और 400 मीटर जो है रेस में जो है सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, ठीक है, एंग्लो इंडियन नॉर्मन पिचार्ड ऐसा उसका नाम था, ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको आप लोग, इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं क्योंकि प्रथम और अंतिम वाला क्वेश्चन जो है आता ही है। राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 10 जनवरी 1946 को, यहाँ दिया है, 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ को निर्माण हुआ, और
जनवरी 1946 को लंदन में वेस्टमिंस्टर भवन में। चेचक की जो है टीके की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आपका एडवर्ड जेनर। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे का जो है नेक्स्ट पार्ट में डालता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।